सेक्शन 314 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में सबसे पहले हमने पढ़ा था चोरी, उसके बाद पढ़ा था एक्सटॉर्शन, उद्दापन, उसके बाद हमने पढ़ा लूट रॉबरी, उसके बाद हमने पढ़ा डकैती, अब सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सीएमपी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर डीएमपी भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर तीन शब्द हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये ऑफेंस अपने नाम से ही पूरी चीज बता देता है कि मेंसरिया क्या है और एक्टस रियस क्या है, क्योंकि किसी भी ऑफेंस के होने के लिए वही मेंसरिया भी चाहिए, दुराशय भी चाहिए और कृत्य भी चाहिए, एक्टस रियस भी चाहिए। तो डिसऑनेस्ट जो शब्द है वो उसके मेंसरिया को दर्शाता है कि एक्यूज्ड का जो मेंसरिया है वह डिसऑनेस्ट है। गुड फेथ में यदि लिया तो नहीं है। यदि मैंने आपकी बोतल में से या आपकी कोल्ड ड्रिंक पी ली अपनी समझ के, तो गुड फेथ में किया, डिसऑनेस्ट से मैंने नहीं किया। तो इस अपराध के लिए बेईमानी का आशय होना अति आवश्यक है। फिर मिसअप्रोप्रिएट मतलब गलत तरीके से उसको यूज भी किया है, मिस यूज कर लिया उस संपत्ति का। और प्रॉपर्टी कौन सी है, चल संपत्ति है। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि सीएमपी के अपराध में संपत्ति कौन सी होती है, चल अचल या दोनों, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो एक बार देखते हैं, हूएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, जब कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी चल संपत्ति को मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर अपने लिए परिवर्तित कर लेता है, जब कोई व्यक्ति चल संपत्ति को बेईमानी के आशय से मिसअप्रोप्रिएट करे और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज करे, तो हम बोलेंगे उसने सीएमपी किया। तो डिसऑनेस्ट मेंसरिया को बता रहा है और ये जो काम कर रहा है ये एक्टस रियस है, कृत्य है, एक्टस रियस है। तो जब मेंसरिया और एक्टस रियस बन जाते हैं तो ऑफेंस निकल के आता है, और यदि मेंसरिया ये हो एक्टस रियस ये हो तो फिर ये बन जाता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि डीएमपी, ये आपका ऑफेंस हुआ। इसके एलिमेंट के बारे में हम बात करें, नाम में ही पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, यानी कि अभियुक्त का आशय बेईमानी का होना चाहिए, अभियुक्त ने संपत्ति को मिसअप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट टू हिज ओन यूज किया हो, और तीसरा संपत्ति चल होनी चाहिए। एलिमेंट तो पर्सन यानी कि एक्यूज शुड मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, पहला एलिमेंट, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा एलिमेंट, और तीसरा है जो मिसअप्रोप्रिएशन किया है या फिर जो कन्वर्जन किया है वह डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया है। इलस्ट्रेशन से कुछ समझ लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में किसी की संपत्ति को लाता है, मैं आपकी किताब को लेके आया, आपके बोतल को लेके आया, आपको बाइक को लेके आया, कोई भी चीज लेके आया, गुड फेथ में लेके आया, इनोसेंटली लेके आया या फिर वैसे ही लेके आया, ये सोच करके वो मेरी खुद की है, दोनों पेन या किताब बेयरहेड साथ साथ में रखे थे, मुझे लगा मेरा है, मैं आपका बेयरहेड अपना बेयरहेड समझ के ले आया, पर पता चला मेरा तो ऑलरेडी बैग में था, फिर भी मैं आपका ले आया, परंतु बाद में जब मुझे पता चला फिर भी मैंने उसे वापस नहीं किया, तो जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, पर जब मुझे पता चल गया ये बेयरहेड आपका है फिर मुझे उसे वापस करना चाहिए, और यदि मैंने वापस नहीं किया, इसको मिसयूज करता हूँ, इसको बेच देता हूँ, तो अपने लिए यूज कर लेता हूँ, तो ये हो जाता है सीएमपी का अपराध, 314 का अपराध। दूसरा इलस्ट्रेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मित्र अपने मित्र की लाइब्रेरी से किताब ले आया, किताब लाने के पश्चात उसे ऐसा लग रहा था वापस कर दूंगा, परंतु उसने वापस नहीं की, कुछ दिन बाद वो किताब को बेच दिया, पैसे अपने पास रख लिए, तो सीएमपी का था। परंतु जब वो लेके आया था तो गुड फेथ के आशय से लेके आया था, तब कोई अपराध नहीं था। ऐसे ही एक दो व्यक्तियों ने मिलके दो घोड़े खरीदे कि हम दोनों यूज करा करेंगे, पर एक व्यक्ति के मन में खोट आ गया तो उसने उस घोड़े को अपने पास ला करके घोड़े को बेच दिया, पैसे यूज कर लिए, सीएमपी का अपराध किया।
नेक्स्ट, ऐसे ही एक व्यक्ति को प्रॉमिसरी नोट मिलता है रास्ते में या फिर कोई लेटर मिलता है, तो जब वो प्रॉमिसरी नोट देखता है उसे पता चल जाता है फला व्यक्ति का है, फिर भी उसे यूज, फिर भी उसे वापस नहीं करता, यूज कर लेता है, सीएमपी करता। ऐसे ही लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में जा रहा था उसे कोई सिक्का मिला या कोई अंगूठी मिली, उसे नहीं पता है यू किसकी है, वो उसको उठाता है, तो उठाने मात्र से कोई अपराध नहीं हुआ, परंतु जैसे ही उठा करके वो बेच देता है, यूज कर लेता है, तो वो हो जाता है सीएम। तो ये वाला क्वेश्चन भी, इलस्ट्रेशन भी आता है। तो ये आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अक्सर अंतर आते हैं, प्रॉब्लम बहुत आती है मेंस में, पीसीएस के मेंस में, लगभग सेम कुछ इलस्ट्रेशन और है इसी प्रकृति के, सेम इलस्ट्रेशन आएंगे, आपको बताना पड़ेगा कौन सा अपराध किया। जब इलस्ट्रेशन आए तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत समस्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, पुरानी कौन सी थी, आईपीसी की 403 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आईपीसी में 403 है और आपका भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में 314 है। तो जब आप लिखोगे प्रस्तुत समस्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 के दृष्टांत पर आधारित है, फिर इस अपराध की पूर्ति के लिए ये आवश्यक तत्व तो पूरे होने चाहिए और वर्तमान दृष्टांत में जो भी आपकी समस्या है उस प्रॉब्लम में ये चीज पूरी है या फिर ये चीज पूरी नहीं है, फिर आप इस फैक्ट को इससे डिस्कस करोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे कि इस मामले में ये अपराध किया। शुरुआत ऐसे करना कि प्रस्तुत समस्या यहाँ से ली गई है, इस समस्या में ये लॉ है और ये हमारे फैक्ट है, फिर कंक्लूजन में लास्ट में जाओगे कि इस समस्या में व्यक्ति ने ये अपराध किया या फिर ये अपराध नहीं किया, क्योंकि ये पूरे तत्व पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ठीक है। डेफिनेशन भी ऐसे लिख दोगे, क्लियर।